लखनऊ शहर में सड़कों पर घूम रही एम्बुलेंस किस घटना को अंजाम देने की फिराक में है, इस बात की खबर खुद मरीज और तीमारदार को नहीं है, लेकिन पुलिस ने एक ऐसी घटना का खुलासा करते हुए एम्बुलेंस चालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसके साथ ही एक एम्बुलेंस और चोरी किए हुए भारी मात्रा में माल भी बरामद किया। स्क्रीन पर दिख रहे लोगों को देखिए, ये वही छात्र चोर हैं जो शहर के चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इस दौरान पुलिस की नजरों से छिपाकर बड़ी आसानी से ले जा सके उसके लिए एम्बुलेंस की सहायता ली जाती थी। एम्बुलेंस का मालिक को एकदम संज्ञान में नहीं था ये बात। ये एम्बुलेंस किसी हॉस्पिटल से अभी फिलहाल अटैच नहीं है, फ्री में चलता था। इसका मोहम्मद साजिद उर्फ संजय इसका चालक था। उनका मालिक से ये 2000 किराए बताता था कि हमको मरीज ले आना है, कानपुर से मरीज ले आना है बाराबंकी से, और गाड़ी लेके चलता था और इन लोगों के साथ चोरी करता था। कई बार ये एम्बुलेंस जो है कई हॉस्पिटल पर भी खड़ी हुई नजर आई है, फिर चाहे विकास नगर की बात की जाए, इंदिरा नगर की बात की जाए, अलीगंज की बात की जाए, उसके बावजूद ये एम्बुलेंस सड़कों पर पूरी तरीके से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही थी। क्या इसके बाद अभियान चलेगा एम्बुलेंसों के खिलाफ? बिल्कुल, जैसे ये एम्बुलेंस के केस हो गए, ये सुबह एकदम अच्छा एम्बुलेंस की तरफ काम करता था, मरीजों को सेवा करता था, रात में भी कभी कभार मरीजों का सेवा करता था, जब उसके बीच ये चोरी करता था इसके साथ। इसके बाद पूरा डिसीजन लिया गया है, पूरा पुलिस फॉर्मेशन चौराहे पे और एवं अन्य जगहों पे रैंडम चेकिंग किया जाएंगे एम्बुलेंसेस का, जैसे अपराध रुकने के लिए। और दूसरा है, अब जो एम्बुलेंस का मालिक है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उनको सूचित किया जाएंगे कि अपना जो ड्राइवर रखा है उनके ऊपर नजर रखने के लिए और उनका सत्यापन। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।